चलिए बच्चों, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है आप लोग को? हेलो, यस सर। चलिए फटाफट देखिए, मैट्राइसेस ही डिस्कस करते हैं अपन। एरिना स्क्रीन डिस्प्ले है? यस सर। चलिए फटाफट कुछ 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 क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो इसमें तीन इक्वेशन बन जाएंगे, एक दो तीन, और तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे क्या आप लोग? यस सर। चलिए यस, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, चार इक्वेशंस हैं, ए बी ए बी ए बी का एक इक्वेशन ये बनेगा फर्स्ट और थर्ड, और एक ए सी का इक्वेशन सी, और एक है ए सी का और एक है सी और डी का। तो चार इक्वेशन, चार अननोन है, चारों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, बताइए। यस सर, आ यस, जाएगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में भेज दूंगा ग्रुप में, डोंट वरी। तो अभी अपन बस देखते जाइए, इसके बाद मैं आज ही भेज दूंगा थोड़ी देर में। चलिए, तो चार इक्वेशंस थे, ए माइनस बी वाला ये है, तो इससे ए और बी निकल जाएगा, इन दोनों से ए की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे, तो आपका एक इक्वेशन ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इफ ए इक्वल टू दिस देन फाइंड द मैट्रिक्स ए। कोई मुश्किल नहीं है, आई थिंक बच्चों बन जाएगी आपसे। ए की वैल्यू यस बन निकालने के लिए जाएगा। इसको जस्ट रिप्लेस कर लो। अगले क्वेश्चन में ए की पावर एन निकालना है, तो बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये लर्निंग फैक्ट वाला क्वेश्चन है। अगर ए की पावर एन, तो आपको याद होगा ऐसा हमने क्वेश्चन किया था इंडक्शन वाले क्वेश्चन में, तो ए की पावर एन कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, ठीक है ना? सर ये सारे केसेस में सर अप्लाई होगा हाँ, ये सर? एक सारे, हम लोग नहीं, केवल यही सी केसेस में, पैटर्न ही याद रख लो, पैटर्न ही याद रख लो, इसी केसेस में अप्लाई होगा। ओके, सर एक सर आपने शीट भेजी थी सर एमसीक्यूज की, जो मैंने लगाई थी सर पूरी, सर उसमें एक कोई फॉर्मूला था सर, याद नहीं आ रहा तो कौन सा था सर? यही वाला ऐसा था, ही था सर? यही था, यही था। उसमें मैंने ए स्क्वायर पूछा था, उसमें मैंने ए स्क्वायर पूछा था, अच्छा ओके ठीक है सर। ना? और एक वो था कि अगर 1a01 होगा, तो ए की पावर एन इक्वल टू 1na और 01। हाँ सर यही वाला था। हाँ यही था। एक वो था। तो इसको आप लोग स्पेशल पॉइंट बना के बुक के ऊपर नोट कर लो बच्चों, कि इफ ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो जो ए की पावर एन आएगा वो आएगा कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, ठीक है? ये बनेगा ए की पावर एन। यस चलो अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है इफ इसकी वैल्यू इक्वल्स टू इसकी पावर के इज इक्वल टू, तो बेटा पावर के है इक्वल टू 1001। ओके सॉरी, हाँ तो 1001 कह रहा, तो के की वैल्यू क्या होगी भाई, है ना? कि पावर के इक्वल्स टू, तो देखो बेटा यहाँ पे अपने पास 100, तो यहाँ पे यदि हम के को 7 ले लेते हैं, क्योंकि पैटर्न ऊपर वाला ही बन रहा है, यदि मैं के की वैल्यू 7 ले लेता हूँ, तो 7 से 7 कैंसिल, तो कॉस 2 पाई कितना होता है 1, साइन 2 पाई 0, और ये भी हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो आंसर के की वैल्यू 7। देख लो बच्चों, क्योंकि ये 7 कटना चाहिए, तो के की वैल्यू 7 होगी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। ये जो यस एन पावर है नीचे आ जाती है, तो एन पावर नीचे आ जाएगी, तो यार ये 7 ले लो तो आंसर आ जाएगा, है ना? सर। डन। यूजिंग मैट्रिक्स ए 1 2 3 वे राइट ए ए डैश, ए ए डैश मतलब इसका मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आंसर 14। डन। डन चलो सर। भाई अगले क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू है, तो बन जाएगा ना कुछ, इसमें है ही नहीं खास, इजी क्वेश्चन बच्चों। यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स वाई तो कर चुके। अगला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, जस्ट कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। अगले वाले में एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की भी निकल जाएगी फ्री में वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, माइनस 1 आ रही है। अच्छा बट इसमें क्या है बच्चों, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, ना ना ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही एकदम बन जाएगा। 10th वाला देखो बन जाएगा ना, वाई की वैल्यू निकालनी है, कंपेयर करके एक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक्स की वैल्यू पुट कर दो वाई आ जाएगा, बोलो यस। यस सर। अगले क्वेश्चन में 11 में ए आई जे है, बी आई जे है, ए 2 2 बी 2 1, छांट के कर दो ऐड,
अगले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1 और साइन अल्फा इक्वल टू 0, तो कॉस की वैल्यू 1 हो और साइन की वैल्यू 0 हो, कहाँ पे होता है 2n पाई। कॉस की वैल्यू 1 और साइन की वैल्यू 0, देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू 1 और साइन अल्फा की वैल्यू 0 है ना, कहाँ पे होता है 2n पाई। यस सर 2n पाई। लिख लो बच्चों, कॉस अल्फा की वैल्यू 1 और साइन अल्फा की वैल्यू 0, ऐसा केवल 2n पाई पे ही होता है। डन। पर्टिकुलरली एंगल इसमें निकाल लिया है, इसने जनरल सोल्यूशन दे दिया बच्चों, कॉस की वैल्यू 1 अल्फा की वैल्यू 0, तो इसने आंसर अल्फा इक्वल टू 0, हाँ वही एन की वैल्यू 0 रखोगे तो आ जाएगा। इसने पर्टिकुलर आंसर दे दिया, मैंने जो आपको आंसर बताया बच्चों वो जनरल आंसर है। अगले में मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू बन जाएगी, राइट ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज बोथ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। लो भैया लिख लो, जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक्स भी है। लिख लो बच्चों, नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। बच्चे ढूंढते रह गए होंगे, लिख लो, नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी। लिख लिया। Yes, अगले क्वेश्चन में फाइंड द फ्रॉम द फॉलोविंग मैट्रिसेस वैल्यू ऑफ एक्स की फाइंड करना है, कंपेयर कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन सारे बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चन है बच्चों जो करा रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोविंग मैट्रिसेस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, भाई सीधा क्या है, मल्टीप्लाई है जस्ट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ही मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा बच्चों एक्स की वैल्यू माइनस वन। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अगर x की दो वैल्यूज आ जाएं तो आंसर आएगा नो सेटिस्फाई। मैं यही देखा करता हूँ कि x की कहीं दो वैल्यू तो नहीं आ गई, अगर x की दो वैल्यू आ जाएं तो दोनों आंसर नहीं होंगे फिर, है ना, दो वैल्यू सपोर्ट नहीं कर सकती है ना। ओके सर। तो अगर दो वैल्यू आ जाए तो नहीं माना जाएगा आंसर। यस, इसमें माइनस वन है तो कोई बात नहीं, एक वैल्यू माइनस वन ही इसकी मानी जाएगी। ओके कर चुके ये भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स जस्ट कंपेयर, ये तो कर चुके ना, नहीं नहीं ये नहीं करा। हाँ, इसके बाद एक्स की वैल्यू जस्ट कंपेयर कर लिया। राइट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो भाई ये कितने का है, 1 क्रॉस 3 क्रॉस 1 का है, और ये कितने का है, 2 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 3, सॉरी 3 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 3, तो ऑर्डर जाएगा बच्चों कितना आएगा इसका, 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई होने के बाद, है ना। चलिए एरिना, समझ में नहीं आया 19 वाला? यस सर, आ गया आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में एलिमेंट लिखना कुछ है ही नहीं। अगले वाले में मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट के फॉर्म में मल्टीप्लाई सबसे होगा, फिर ऐड कर दो तो 1 0 0 1 आ गया। अगले वाले में ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो भैया ये कितने ऑर्डर का है, ये है 3 क्रॉस 2, तो पलट दोगे तो 2 क्रॉस 3 का हो जाएगा, और ये है 2 क्रॉस 3, तो पलट दोगे इसको तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 का हो जाएगा, है ना। तो B का ट्रांसपोज हो गया ये, और A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज 3 4 3 1 0। एक मिनट यार, ये कैसे हो गया, अच्छा ओके ओ ओके, ऑलरेडी A का ट्रांसपोज दिया, मैं उसको A समझ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब A ट्रांसपोज से माइनस करना B ट्रांसपोज को, ऑलरेडी A ट्रांसपोज दिया हुआ है, हाँ A का A नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है माइनस कर दो, कुछ नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जस्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो, एक्स और वाई कंपेरिजन हो जाएगा, आ जाएगा। ये देखो जी, कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करो जस्ट कंपेरिजन, जो कर चुकी है वाली सीट। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो कंपेयर करके जस्ट कर लिया। अगला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहा है इसकी कौन सी वैल्यू होगी एक्स की, एक्स की कौन सी वैल्यू, तो एक्स जो इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो ये माइनस टू है तो ये क्या होगा, प्लस टू,
ये माइनस टू है तो ये क्या होगा बच्चों, प्लस टू, पता है ना आप लोग को। स्क्यू हाँ सर सिमेट्रिक पता है। मैट्रिक्स में जो ट्रांसपोज होता है वो निगेटिव के इक्वल होता है ना, ए ड्रेस इक्वल यस टू सर। ए डैस इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो जस्ट ए डैस उसका ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ ए के इक्वल कर दो तो एक्स इक्वल टू प्लस टू के आ जाएगा, तो आंसर एक्स इक्वल टू प्लस टू। अगले वाले क्वेश्चन में ए टू थ्री निकालना है, वेरी सिंपल, ए टू थ्री आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो इसमें, आई की जगह टू, जे की जगह थ्री, है ना। कह रहा है इफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मॉड ऑफ ए इक्वल टू टू देन राइट द वैल्यू ऑफ, गुड क्वेश्चन बच्चों, मॉड ए ए ट्रांसपोज कितना होगा भैया, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट पहले तो इसको बांट लो, तो ए ए ट्रांसपोज हो गया, ए का ट्रांसपोज का मॉड और ए ट्रांस ए का मॉड ए इन टू, और आपको पता है कि ए डैस का मॉड ए के इक्वल होता, तो ए का स्क्वायर आंसर हो गया बच्चों टू का स्क्वायर फोर। ये प्रॉपर्टी लिख लो बच्चों, लिख रहा हूँ तो डन। यस सर। चलो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई 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 जस्ट कम, स्क्रॉल कर दीजिए सर ऊपर। हाँ बेटा प्रॉपर्टी नोट करना है, यस सर नोट कर लो। नो 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 नो, यस सर डन। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व फॉर द एक्स, वन एक्स ये जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, इसमें है ही नहीं कुछ, तो पहले इन दोनों को कर लो, लास्ट वाले को बिठा दो, या लास्ट वाले को पहले कर लो इन दोनों को बिठा दो, तो किसी को भी कर लो। तो ये कितने का है, टू क्रॉस टू का है, और ये कितने का है, ये है टू क्रॉस वन का, टू क्रॉस वन का है ना, तो ये आ जाएगा कितने का, वन क्रॉस वन, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके आंसर जीरो आ गया, कंपेयर कर लो आंसर आ गया सिंपल, वन क्रॉस वन का आंसर आ गया जीरो। कर लोगे बच्चों एक बार, यस बोल दिया करो। यस सर। चलो भाई इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल्स टू कंपेयर करना, जस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर कर दीजिए, ओके कुछ भी नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर ही करना है, ओके तो ये मल्टीप्लाई किया अपन ने और इसको कंपेयर कर दिया, तो सब कुछ एक्स की वैल्यू 13। अगले क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई निकालना है, मतलब एक्स निकालो अलग से और वाई निकालो और फाइनली दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कर लोगे ना बच्चों। यस सर। चलो अगले क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स टू इंटू थ्री मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन एक्स और वाई के सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन द मैट्रिक्स दिस एंड ए स्क्वायर इक्वल टू के देन वाई द वैल्यू ऑफ ए, तो भैया ए स्क्वायर इक्वल टू के ए, तो एक तरफ ए स्क्वायर एक तरफ के ए, सॉल्व किया तो क्या आ गया, टू टू माइनस वन माइनस टू, टू माइनस टू माइनस टू, तो के कौन सा कॉमन लेके बना दिया, ठीक है, तो कंपेयर करने के फॉर्म में अपन ने इसको के को टू को बाहर ले लिया, तो ये कंपेयर होके के इक्वल्स टू टू आ गया। देखो बच्चों ये नया क्वेश्चन टाइप का, देखो अच्छे से क्लियर सर। क्लियर सर। ओके डन। चलो तो हो गए पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसकी वैल्यू 19 और 15 की इक्वल है, एक्स की वैल्यू, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों को कंपेयर कर दिया, दोनों को कंपेयर कर दिया तो एक्स की वैल्यू आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन में ए की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई करो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा पहला, और इसके बाद इससे मल्टीप्लाई तो जस्ट दूसरा, और सॉल्व हो करके इतना आ गया। डन, एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक्स और वाई की वैल्यू, इसको किससे कंपेयर, इसको इससे जस्ट कंपेयर होंगे, तो देखो भाई एक्स प्लस टेन इक्वल टू, पहले एक्स उगल देगा फिर वाई को कंपेयर करोगे, तो वाई प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, सॉल्व कर लिया, वाई की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू माइनस थ्री, ठीक है ना। अगले वाले में वाई स्क्वायर जीरो इक्वल टू जीरो हो गया, वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई इक्वल टू फोर। देखो बच्चों अब सीखने वाली बात क्या है बच्चों, देखिए एक्स की वैल्यू थ्री आ चुकी है और y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू माइनस थ्री, बट यहीं पर क्वेश्चन को नहीं छोड़ दिया अपन ने बच्चों। अब ये वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई इक्वल टू माइनस फोर है, तो इसको भी सॉल्व किया, वाई स्क्वायर वाई माइनस फाइव वाई इक्वल टू माइनस फोर है, तो इसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, तो देखो इससे भी y की वैल्यू 1 आ रही है और इससे भी y की वैल्यू 1 आ रही है, तो कॉमन आंसर क्या होगा बच्चों, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, आया समझ में? हाँ, मतलब दोनों पार्ट सॉल्व करना, जितने भी इक्वेशन में पार्ट होंगे सबको सॉल्व करके आंसर देना, जो कॉमन आंसर होगा वही आंसर होगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। गुड क्वेश्चन, ये सीखने वाली बात थी इसमें। चलो चलो चलो, ये ए प्लस बी
टू फाइव ए बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू सिक्स है, ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स है, ए बी इक्वल्स टू एट है, तो बी की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दी, तो सॉल्व कर लिया बच्चों, तो ए के दो वैल्यूज आ गई हैं और दो वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग बी की दो वैल्यू, तो ए इक्वल टू टू पर बी इक्वल टू फोर, ए इक्वल टू फोर पर बी इक्वल टू टू। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। चलो अगले क्वेश्चन में देखिए। हाँ, इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, तो भैया पहले किसको मल्टीप्लाई कर लें, ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई आराम से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों को कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में इसको कर देना मल्टीप्लाई, तो लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक इक्वेशन बन गई, तो दो आंसर, दो ऑप्शन आ गए, आंसर एक्स इक्वल टू माइनस फोर्टीन, एक्स इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि केवल एक ही अननोन था, तो क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, दो होते तो जरूरत पड़ती। ठीक है? यस सर। रीना बोलो यस। यस सर। ओके, फॉर द फॉलो। हाँ बेटा बोलो। तो ये माइनस वाली वैल्यू सर आपने क्या बोला सर, इसको नहीं लेना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर दो इक्वेशन होते तो क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत होती है ना, बट एक्स स्क्वायर का केवल एक ही इक्वेशन बन रहा है। हाँ सर। तो दोनों आंसर स्वीकार होंगे, माइनस फोर्टीन भी और माइनस टू भी। ठीक है? ओके सर। चलो प्रॉपर्टी लिख लो, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, वेरीफाई करना है तो पहले ए दिया है बी दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ए इंटू बी निकाल लीजिए। ठीक है ना, ये देखो ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करके ए इंटू बी निकाल लीजिए, फिर ए बी का ट्रांसपोज कर लीजिए और ए बी के ट्रांसपोज को बी डैश ए डैश कर दीजिए, तो बी डैश इंटू ए डैश कर देंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा जो कि सेम आ रहा है, तो ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, बहुत ही सिंपल वेरीफाई वाले क्वेश्चन आते हैं। ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई, बेटा पिछला वाला आ गया समझ में ना? यस सर। ओके, अगला वाला देखिए, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई की वैल्यू निकालनी है, तो ए का स्क्वायर कर दो माइनस फाइव ए, यानी कि जस्ट मल्टीप्लाई और सिक्स आई वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखिए, ए की वैल्यू इतनी है, आई की वैल्यू इतनी है, तो के की वैल्यू फाइंड करो, ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस टू आई, तो ए स्क्वायर वैल्यू निकालो, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली अपन ने सॉल्व करके, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ए बी का ट्रांसपोज, ये क्यों ऐसा हो गया, ओके ए स्क्वायर प्लस फाइव ए, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, अब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद हमने ये पुट कर दिया इसमें रिलेशन में, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस टू आई, तो ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस टू आई, कंपेयर कर दिया बच्चों सॉल्व वॉल्व करने के बाद, तो थ्री के माइनस टू इक्वल टू वन, तो के थ्री के इक्वल टू थ्री, यानी के इक्वल टू वन। बच्चों दूसरे से भी कंपेयर कर सकते हो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, बट आंसर सेम आ रहा है इसलिए यहाँ पर किया नहीं है। बोलो बन जाएगा? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू इतना है देन सो एड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लिया, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किया तो वो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद के निगेटिव के इक्वल आता है। याद आया? यस सर। अगला क्वेश्चन ए है, कह रहा है डी की वैल्यू फाइंड करो, जैसे सी डी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, तो टू क्रॉस टू का है तो डी ए का नॉन मैट्रिक्स मान लो बच्चों, टू क्रॉस टू का ए बी सी डी, अब सी डी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, तो सी और डी को लड़ा दो और ए और बी को लड़ा दो, एक इक्वेशन बना लो, तो चार कॉन्स्टेंट, चार इक्वेशन आ जाएंगे, चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास चार कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए वन और टू को, इसने किसकी वैल्यू पूछी हम लोगों से, हमने पूरे, इसने पूरा का पूरा मैट्रिक्स पूछा है, तो बच्चों दो इक्वेशन सॉल्व करोगे ए और बी वाले, इसमें ए है इसमें सी है, इसमें ए है सी है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ए सी आ जाएगा, और फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बी डी आ जाएगा, तो दोनों को सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। बोलो यस की नो? यस सर। क्योंकि मल्टीप्लाई में है बच्चों, इसलिए बेहतर है ये काम करना, अगर प्लस माइनस में होता तो उधर ले जाके भी कर सकते थे, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक्चुअली डी, इसलिए ए बी सी डी मानना सही है। Yes, sir. समझ में आया रीना मैंने क्या कहा? नो सर। बेटा डी उस क्वेश्चन में मल्टी क्यों नहीं पूछते हो रीना, गलत बात बेटा पूछो, क्योंकि डी उस क्वेश्चन में सी के साथ मल्टीप्लाई में है। बोलो यस। यस सर। तो अब मैट्रिक्स में अपॉन में तो ले जाने में बहुत दिक्कत पड़ जाएगी, इनवर्स ले जाने में, इसलिए डी को एक नया मैट्रिक्स मान सकते हो ए बी सी डी। अब आया समझ में? यस सर आ गया। अगर प्लस माइनस में होता तो उधर ले जाते। चलो अगला क्वेश्चन,
शो दैट ए सेटिस्फाई करता है, और इसका यूज करते हुए ए इनवर्स निकालो। तो पहले तो सेटिस्फाई करा दो बच्चों, तो जीरो आ गया। और इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों अपन, इनवर्स निकालने के लिए पूरे मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। तो माइनस आई को उधर करोगे तो माइनस आई के साथ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस ए इनवर्स। और इधर क्या बन जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स, और ए इंटू ए इनवर्स बन जाएगा 4i। ये बन गया ए, कैंसिल हो गया ए, ए माइनस 4i इक्वल टू माइनस ए इनवर्स इक्वल टू इतना। बच्चों जल्दी से देखो, बताओ कोई दिक्कत हो तो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा बोलो। ए इनवर्स सर जो किया था। बेटा इनको चाहिए क्या था, ए इनवर्स चाहिए था ना। हाँ सर। तो बेटा आई को इधर ले जाओगे तो माइनस आई आ जाएगा। हाँ सर। अब पूरे में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो तो एक ए इनवर्स इंटू ए, मतलब उल्टा और सीधा बन जाएगा वन। वन मैट्रिक्स की भाषा का होता है आई, बोलो। हाँ हाँ सर। तो ए मल्टीप्लाइड बाई आई क्या बचेगा, ए बचेगा, ये बच गया ए। यस सर। माइनस 4 a इंटू ए इनवर्स, मतलब a से ए इनवर्स कैंसिल, तो केवल बचेगा i यस सर इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। ओके सर। अब समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। डन। डन सर। ओके। डन सर। प्रूव दैट द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइस। प्रूव करो कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस का सम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस होता है, और इसको एक्सप्रेस करो। चलो दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस ले लो, यानी ए डैस इक्वल टू माइनस ए, बी डैस इक्वल टू माइनस बी। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस हैं, इन दोनों का सम कर दिया अपन ने। प्रूव करो कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस का सम, तो दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस का सम क्या होगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लो, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज माइनस ए माइनस बी, माइनस बाहर आ गया। तो क्योंकि ए प्लस बी का ट्रांसपोज उनके नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम मैट्रिक्स जो होगा वो खुद भी एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। उड़ गया कि समझ में आ गया सर, एक बार फिर से बताइए। आपको बोला गया है कि प्रूफ करो कि दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस का सम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस होता है। तो बेटा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस ए ले लो, दूसरा बी ले लो, बोलो। हाँ सर। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा, बी ट्रांसपोज माइनस बी होगा। यस सर। अब इन दोनों का सम निकाल लो, सम का ट्रांसपोज ले लो। क्यों, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए एक ही तरीका होता है कि ट्रांसपोज ले लो। अगर ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के ऊपर इक्वल आ जाए मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज अगर ठीक उसके इक्वल आ जाए मतलब सिमेट्रिक। याद आया कि नहीं याद आया यस सर। भाई अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू प्लस ए होगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज किया, ये बट गया, और जैसे बटा तो ये आ गया। हाँ ओके सर। ओके अंदर वाले का नेगेटिव आ रहा मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, बोलो। हाँ हाँ सर। दो पार्ट में बांटना है एक मैट्रिक्स को, तो दो पार्ट होते हैं, एक सिमेट्रिक वाला पार्ट ए प्लस ई डैश बाई टू, और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक ए माइनस ई डैश बाई टू। यस और नो? यस सर। तो एक होता है ए प्लस ई डैश बाई टू, दूसरा होता है ए माइनस ई डैश बाई टू। दोनों को लिख दिया भाई, देख लो आंसर क्लियर है। ये सिमेट्रिक पार्ट आ गया, ये सिमेट्रिक पार्ट आ गया, और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आ गया। ठीक है? ठीक है सर। ठीक सर। ओके यस। सो इसको इसकी फॉर्म में लिखना है, तो फाइनली हम इसकी फॉर्म में भी लिख देंगे इसको। हाँ तो हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला, तो नाउ हेंस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैस, और 1/2 ए माइनस ए डैस। ठीक ना? और ये मतलब आपको यहाँ तक ही आंसर देना है, यहाँ तक। ये सिमेट्रिक पार्ट है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो आपको आपका मेन मैट्रिसेस मिल रहा है। ये एक तरीके का वेरिफिकेशन है। हेंस द मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? क्लियर सर। क्लियर सर। एक्स की वैल्यू निकालना है तो कितने ऑर्डर का है भैया, ये कितने ऑर्डर का है, ये है 2 रो 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर आ रहा है 2 क्रॉस 3 का। तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 2 क्रॉस 2 का। देख लो ये लिखा है मैंने, 2 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 3, आंसर कितना बनेगा, 2 क्रॉस 3। तो ये 2 क्रॉस 3 का है, मतलब पहला वाला मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 का। 2 क्रॉस 2। ए बी सी डी लेकर के 4 6 इक्वेशन बनाओ,
अच्छा इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी ए बी सी डी की, जो भी है क्या माना है एक्स वाई ए बी, मैं तो ए बी सी डी मान लेता। तो निकाल लोगे नहीं निकाल पाओगे? निकाल लेंगे सर। देखो एक बार कोई प्रॉब्लम आ रही क्या? डन डन सर। एक्सप्रेस करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैस, इसको स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक की फॉर्म में हाफ ऑफ वन प्लस ए प्लस ए डैस ए माइनस ए डैस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। तो निकाल लिया भैया हाफ ऑफ ए प्लस ए डैस और ए माइनस ए डैस, सॉरी बच्चों फिर से रिपीट हो गई ये फाइल। चलिए यस, तो ए प्लस ए डैस निकाला और ए माइनस ए डैस निकाला, दोनों को हाफ ऑफ की फॉर्म में लिख दिया तो ये मैट्रिक्स का फॉर्म बन जाएगा। वेरिफिकेशन करने के लिए दोनों को जोड़ दो तो आपका मेन मैट्रिक्स मिल जाएगा। वेरिफिकेशन करने को बोला हो तो करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बनेगा? यस सर। यस कह रहा शो दैट, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो अगर शो दैट सेटिस्फाई कर रहा होगा एक्स की जगह रख दो, तो एक्स की जगह रख दोगे तो ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस सेवनटीन बराबर जीरो 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 आना चाहिए। तो यदि सेटिस्फाई करेगा तो जीरो जीरो आ गया, हाँ जी आ गया जीरो जीरो, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब कह रहा है इसके बाद कि ए इनवर्स निकालो, तो क्या करेंगे वही मल्टीप्लाई कर दो पूरे से ए इनवर्स का। तो ये सिक्स सेवनटीन आई टू है, इसको उस तरफ पहले ले जाओ निगेटिव साइड में ले जाओ, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस सेवनटीन आई टू इक्वल टू जीरो आ चुका है। इतना श्रुति समझ में आया इतना तक? हाँ सर आ गया। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करो कि 17i2 है ये है ए ए इनवर्स का पूरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो उधर ले जाके, तो ये बन जाएगा 17 ए इनवर्स। तो ये क्या बन गया ए के से एक उल्टा ए कैंसिल हो गया 6i2, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई 17 और 6i2 माइनस ए। ऐसे ए इनवर्स से किया तो सर ए कैसे आ गया? ए ए इनवर्स का ए स्क्वायर से करोगे, ए स्क्वायर का मतलब दो ए और ए इनवर्स का मतलब आई अपॉन ए, तो ए के से ए के कैंसिल हो जाएगा ना, तो ए के बचेगा ना। हाँ सर हाँ सर याद आ गया। ओके सर। चलो अगला क्वेश्चन लेट ए इक्वल टू इतना देन शो दैट इक्वल टू जीरो एंड यूजिंग दिस रिजल्ट फाइंड ए की पावर फाइव। इस रिजल्ट का यूज करते हुए ए की पावर फाइव, बच्चों इसकी फोटो ले लेना क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं करे हो आज तक, एक बार करे थे मैंने शुरुआत में करवाया था बट भूल गए हो गया आई एम श्योर। क्योंकि देखो यूजिंग दिस रिजल्ट कह रहा है, यूजिंग दिस रिजल्ट, अगर आपने ये सोचा कि हम पांच बार ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिल जाएगा, तो पांच बार आपको ए का मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले चीज़ तो इसको जीरो दिखाना है, तो भैया सब निकाल लो, ए है ए स्क्वायर निकाल लिया पुट कर दिया जीरो आ गया, जीरो आ गया बोलो यस। यस सर। ओके अब देखो बेटा अपने पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा फोर ए माइनस सेवन आई, तो ए स्क्वायर की वैल्यू बन गई फोर ए माइनस सेवन आई, बोलो हाँ हाँ ए स्क्वायर। अब इसको अब ये नहीं कि इसको पकड़ करके पांच बार करते गए, इसको पकड़ो अब इसमें ए इसका मल्टीप्लाई कर दो ए का, तो इसमें ए का मल्टीप्लाई करोगे प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू फोर ए इंटू ए और सेवन ए इंटू आई, तो ये हो गया ए क्यूब, ये बन गया फोर ए स्क्वायर माइनस सेवन ए आई, बोलो हाँ सेवन ए। हाँ सर। ए स्क्वायर की वैल्यू पता है ये थी तो फिर से पुट कर दी तो ये आ गया फोर फोर जा सिक्सटीन ए माइनस ट्वेंटी एट आई माइनस सेवन आई, बोलो हाँ। हाँ सर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया नाइन ए माइनस ट्वेंटी एट आई, अब पावर फोर बनाना है फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो नाइन ए टू नाइन ए स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी एट ए बन जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से रख दो वही वाली, ओए ये रख दी 28 आई माइ नाइन का मल्टीप्लाई नाइन फोर जा 36 ए नौ चार 36 और माइनस 28 ए कितना 8 ए नाइन सेवन जा 63, बोलो हाँ। हाँ सर। फिर से मल्टीप्लाई कर दो ए का, ये फिर बन गया ए स्क्वायर, ले अब पकड़ के कहाँ है ये आ जा नीचे आ गया यहाँ पे, फिर पूरा खोल डाले ले दे के गाड़ी आ गई बच्चों 30 ए माइनस 56 ए। अब कुछ नहीं करना ए की वैल्यू पुट कर दो और ये तो आई है, बोलो बना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। हाँ क्योंकि याद रखना अगर बोल दिया यूजिंग दिस तो और कोई मेथड यूज नहीं कर सकते हो, यही यूज करना पड़ेगा है। यस सर। यस बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन सर, तुमको वाला फॉर्मूला सर फेल हो गया सर, वो एन का पावर वाला।
एन का पावर यहाँ कहाँ लगेगा, स्ट्रक्चर वैसी है तुम्हारी साइन थीटा कॉस थीटा वाली। अच्छा सिर्फ मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए। जी हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसको सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख लेना हाफ ऑफ ए प्लस ए डैस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैस, कई बार बता चुके है ना, कन्वर्ट कर लो ऐसे। ये देखो ए प्लस ए डैस ए माइनस ए डैस, उसके बाद हाफ ऑफ ए प्लस ए डैस हाफ माइनस ए डैस बन जाएगा। यस सर। चलो ओके बच्चों जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0 0 0 इतना है तो प्रूफ करो। हाँ भाई एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो ये प्रूफ करना है आपको। तो ए दिया हुआ है, एलएचएस क्या बच्चों, आई प्लस ए, तो एलएचएस बना लिया अपन ने, तो ये लेकर के आना है एलएचएस अपने पास। अब आरएचएस क्या है, आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये एलएचएस है बच्चों और ये मैंने आरएचएस है। बोलो जी। हाँ हाँ सर। ओके हाँ सर। हाँ आई माइनस ए इंटू इतना, तो बच्चों ये है आई, ये है माइनस ए और ये मल्टीप्लाई में इतना आई माइनस ए, ये बड़े ब्रैकेट में इसको कर लेना क्योंकि अभी सॉल्व भी होगा थोड़ा सा। तो ये हो गया आई माइनस ए। अब देखिए आई माइनस ए थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लो आई माइनस ए को, ये जो है आई माइनस ए, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस माइनस टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा वन। तो देखो अगले पेज में ये हो गया वन, ठीक है ना। अब इसके बाद यार इसको ब्रेक कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। और मैंने इस बहुत सरल मेथड से बताया था कि कॉस अल्फा को फॉर्मूले में पुट कर दो, वन वो होता है कॉस अल्फा कॉस टू थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू से पुट करके सारे के सारे टेन में कन्वर्ट कर लो। और वैसे नहीं करना है तो एक तरीका है, पूरे का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दोगे ये आ जाएगा। अब कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई टू की जगह साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पे साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा, चलो ये सारे के सारे आ गए। अब एक काम करो बच्चों, इसको ओपन कर दो तो कैसे हो जाएगा, काटा कूटी करते हैं। देखो जी कॉस अल्फा बाई टू, अच्छा एलसीएम ले लिया, ओके नो प्रॉब्लम, चलो एलसीएम ले लिया, कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, ये सारी स्ट्रक्चर बननी है एलसीएम लेने के बाद। अब देखो कौन सा फार्मूला लगा दिया है, कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है बच्चों फार्मूला, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो आई की जगह अल्फा और बी की जगह अल्फा बाई टू माइनस कर दिया तो कॉस अल्फा बाई टू, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये वाला बन गया अपॉन, ये तो थे ही और नीचे ये ऐसा आ गया ये ऐसा आ गया, तो कन्वर्ट कर दिया इतना आ गया, यही प्रूफ करना था। अब बच्चों मुझे पता है मैंने बहुत तेज़ी से बताया, आप लोग एक बार जी भर के इसको देखो और फिर मुझे बताओ कोई दिक्कत है तो। मैंने इसको बहुत सरल तरीके से कराया था जब मैंने प्रूफ कराया था। मैंने क्या किया था, मैंने किया था कॉस अल्फा को मैंने 10 के टर्म्स में ब्रेक कर दिया था और 10 अल्फा बाई टू को टी ले लिया था, अगर याद हो आपको तो, पूरा क्वेश्चन टी में चला गया था। ये भी मुश्किल नहीं है, कुछ ऐसे ही है। यस सर आ गया सर, एक बार स्कूल कर दीजिए सर नीचे। यस सर आ गया। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ओके अगला क्वेश्चन में देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू कराया, एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू कराया, फिर एन इक्वल्स टू एम प्लस वन के लिए जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, तो ये अपने पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए प्लस बी
तो हर जगह भैया m प्लस वन की स्ट्रक्चर बन जाएगी, और यही तो प्रूफ करना था। देखो बताओ, यही तो प्रूफ करना था, m प्लस वन m प्लस वन m प्लस वन। तो n इक्वल्स टू वन के लिए प्रूफ करते थे, n इक्वल्स टू k के लिए प्रूफ करते थे, और k के बाद k प्लस वन के लिए क्या करना पड़ेगा, a की पावर k प्लस वन इक्वल टू a इंटू a की पावर k, ठीक है ना। तो यहाँ पे m ले लिया है, m ले लिया है, कोई बात नहीं, k ले लो, m ले लो, कुछ भी ले लो। तो n इक्वल टू k m प्लस वन के लिए आ गया, मतलब ये सब वैल्यू के लिए सही है। बोलो बन जाएगा? यस सर, यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, पूरी फंक्शन एक्स प्लस वाई की बन जाएगी। देखो भाई, डन डन ओके। देन इसके बाद आते हैं हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स लेवल के क्वेश्चन। चलिए अब इसके बाद देखिए, वन दिया है ए की पावर एन के लिए, तो ए की पावर एन दिया हुआ है, एन इक्वल्स टू वन के लिए प्रूफ करो, हो गया प्रूफ। एन इक्वल्स टू के लिए प्रूफ किया तो एन की जगह के माइनस वन प्रूफ कर दिया, और एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए प्रूफ करना है तो जहां ए इंटू ए की पावर के, या ए की पावर के इंटू ए, कुछ भी कर दो बच्चों। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा अपने पास थ्री की पावर के, थ्री की पावर के, थ्री की पावर के, हर जगह, हर जगह बन जाएगा। देखो बच्चों, थ्री की पावर के, थ्री की पावर के, थ्री की पावर के, और ये क्या है, ये है ए की पावर के प्लस वन। एक बार अच्छे से देखो इसको, जल्दबाजी नहीं करना बिल्कुल भी, सीखना है अपन को, है। देख लो भाई, थ्री की पावर के को क्या लिख सकते हो आप, यदि यहाँ पे थ्री की पावर के लिखोगे, थ्री की पावर के कॉपी में लिख करके देखो, थ्री की पावर के, तो क्या लिख सकते हो, थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन। भाई थ्री की पावर के इक्वल्स टू थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन ही तो हुआ। यस सर, मतलब एन के टर्म्स में क्या आ गया, एन के टर्म्स में एन की जगह के प्लस वन आ गया, तो ये तो प्रूव हो गया ना। देखो ये थ्री की पावर के, तो एन की जगह के प्लस वन आ गया, मतलब इट कैन बी सेड एज ए की पावर के प्लस वन, कह सकते हैं इसको, तो हो गया प्रूव, डन डन सर, डन सर। चलो चलिए, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव करो कि किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है यूनिकली, मतलब एकलौते तरीके से, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के तरीके में। ओके बच्चों, ये है नया क्वेश्चन, बट आज तक ये आया नहीं है, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको मैं लास्ट में देखूंगा बच्चों, अभी इसको छोड़ते हैं। ओके, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा कि शो करो कि बी ट्रांसपोज ए बी किस पे डिपेंड करता है, ए के नेचर पे डिपेंड करता है। चलो आ जाओ देखते हैं, तो दो केस बना लेंगे कि एक में ए सिमेट्रिक है और एक में ए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलो पहले में ए को अपन ने सिमेट्रिक ले लिया, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ले लिया। तो भैया ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लेने पे अपन ने क्या करा, इसको ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए लेने पर अपन ने पहले इसका ट्रांसपोज किया, जो कंप्लीट मैट्रिक्स जिसकी बात हो रही है, मेन मैट्रिक्स जो है अपनी, मेन मैट्रिक्स की जिसकी बात हो रही है, उसको अपन ने ट्रांसपोज किया। तो बी का ट्रांसपोज आ गया, पीछे से होता है बच्चों मल्टीप्लाई, तो बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हमेशा ट्रांसपोज एक्शन पीछे से होता है, मतलब इधर से इधर की ओर चलेगा, राइट टू लेफ्ट। तो क्या आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी, मतलब बी ट्रांसपोज ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज एट ए, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। ओके, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, तो ये बी, तो सेम टू सेम आ गया, मतलब ये कैसा है, सिमेट्रिक है। अभी ये क्या है बच्चों, सिमेट्रिक है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, क्योंकि जो अंदर का ट्रांसपोज करके वही आ गया, तो सिमेट्रिक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरा केस स्क्यू सिमेट्रिक का देखते हैं, अगर हम दूसरे केस में उसे स्क्यू सिमेट्रिक ले लें तो क्या फर्क होगा, ये भी देखेंगे। सिमेट्रिक का केस देखा अभी अपन ने,
अगर मैं दूसरे केस में इसे स्क्यू सिमेट्रिक ले लूं बच्चों, ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो माइनस ए हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक में, चलो तो बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, पीछे से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ए ट्रांस मतलब इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज हो गया बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है माइनस ए, तो ए की माइनस आगे आ जाएगा, यानी बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी, मतलब जस्ट इसका नेगेटिव। तो देखा आपने ये क्या आ गया, इसको सिमेट्रिक आ गया कि नहीं आया, मतलब भैया ए के नेचर पे डिपेंड करता है, ए सिमेट्रिक तो हम सिमेट्रिक, नहीं तो इसको सिमेट्रिक कह रहा है। प्रूव द फॉलोइंग बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ए दिया है एन इक्वल्स टू वन के लिए ट्रू हो गया, एन इक्वल्स टू एम के लिए ट्रू करा लिया और एन इक्वल्स टू एम प्लस वन के लिए प्रूफ कराएंगे, इतना आएगा। तो ए इक्वल्स टू एम प्लस वन के लिए ए की पावर एम का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके अरेंज कर दिया इस फॉर्म में, आ गया अरेंज हो गया। तो मतलब बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर कह लो या नेचुरल नंबर एन कह लो। डन डन सर। अगला मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऐसा माना जाए कि 2×3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिले, 2×3 का रिजल्ट मिले। तो मतलब एम जो होगा ये एम क्रॉस थ्री, मतलब रिजल्ट जो है कितने के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर आना चाहिए 2×3 का, ठीक ना। तो देखिए ये 2 होना चाहिए और ये भी क्या होगा 2, क्योंकि 2×3 तो m भी होगा 2 और n भी होगा 2। समझ में आया कि नहीं आया, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर समझ गया। तो 2×2 का एक मैट्रिक्स मान लो ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो मानना हो मान लो, इसके बाद इसमें इसके आगे रख करके मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, मल्टीप्लाई करके 4 इक्वेशन बन जाएंगे, नहीं 6 बनेंगे, 6 और 6 इक्वेशन में से कुछ भी करके आप जो है वैल्यूज़ निकाल लो, 6 इक्वेशन में वैल्यूज़ निकाल लो। देखो 6 इक्वेशन देखते हैं, ये देखो भाई ले लिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू ले लिया, 6 इक्वेशन निकाल ली, वैल्यूज़ निकाल लिया, आंसर आ गई एक्स की, बोलो डन। सर एक बार सर पीछे करिए सर, ये देखो बेटा सर पेज सर पेज पीछे इसके पीछे, यस सर। बेटा ये मैट्रिक्स था, अननोन मैट्रिक्स था, ये था ये था, वो मैंने डिलीट कर दिया, ये मैट्रिक्स था ये मैट्रिक्स था ये मैट्रिक्स था, कह रहा है इसकी जगह क्या वैल्यू होगी, तो अपन ने 2×2 लिया है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर वो समझ में आ गया, क्वेश्चन नहीं पड़ा। ओके सर। कह रहा है ये क्या मैट्रिक्स होगा, यहाँ की जगह इन लोगों ने दे रखा था कैपिटल एक्स। ओके सर। कैपिटल एक्स की वैल्यू मान, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए बी सी डी जो मान लो मान लो, 6 इक्वेशन, मेन चीज है ये 2×2। समझ में आया कि नहीं आया कि 2×2 क्यों होगा? हाँ सर वो एम एन से समझ में आया। चलो डन 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 डन। अगला क्वेश्चन, ए फार्मर पोजेस 30 एकर कल्टीवेटेड लैंड, दस मस्ट बी कल्टीवेटेड टू डिफरेंट मोड कल्टीवेशन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ये देखो भैया 30 एकड़ की जमीन है, उसको कैसे कल्टीवेट करिए, वही बॉन्ड वाला क्वेश्चन याद होगा बच्चों, 15,000 रुपये बॉन्ड वाला क्वेश्चन, बिल्कुल एनसीईआरटी का। तो इसने 30,000 रुपये को कह रहा दो बॉन्ड में ब्रेक कर दो, कह रहा ऑर्गेनिक के लिए कल्टीवेशन 11 क्विंटल पर एकर मिलता है, 14 क्विंटल पर एकर दूसरे के लिए मिलता है। मैट्रिक्स मेथड से बताओ कि उसको 390 रुपये डिवाइड 30 एकर लैंड इंटू 290 रुपये, 290 क्विंटल, चलो ठीक है अच्छी बात है भाई। तो मान लिया अपन ने लैंड है, तो 30 एकड़ को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक पार्ट टूट गई x में, एक पार्ट टूट गई 30 माइनस x में, बोलो हाँ हाँ सर। पहला a बन गया x 30 माइनस x, b 11 और 14 बोल रहा है ना, 11 14 तो 11 ऊपर 14 नीचे, 1×2 और ये 2×1, और कह रहा जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो कितने का है भैया, 390 कुछ मिल रहा है, यील्ड 390 क्विंटल, तो 390 क्विंटल मिल रहा है। तो बच्चों दिस इंटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस, ए बी इक्वल टू सी। अब फैक्ट रिप्रेजेंटेड मैट्रिक्स में कैसे लिखोगे, ए बी इक्वल टू सी, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई कर दिया 390, एक्स की वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू 10, तो एक्स की वैल्यू 10 मतलब वो लैंड कल्टीवेटेड बाई ऑर्गेनिक मोड में कितना लगाएगा बच्चों, 10 एकड़, और लैंड कल्टीवेटेड बाई इनऑर्गेनिक मोड में कितना लगाएगा, 20 एकड़। हाँ तो मतलब ऑर्गेनिक मोड से कल्टीवेशन करेगा जो किससे है, 10 से करेगा, और इनऑर्गेनिक मोड से करेगा वो कितने से होगा, 20 से। विच मोड ऑफ कल्टीवेशन डू यू प्रेफर, बताओ भाई अरीना कौन सा कल्टीवेशन प्रेफर करोगी, 10 वाला कि 20 वाला? 20 वाला सर। अच्छा मतलब आप हमें जहरीली सब्जियां खिलाना चाहती हैं? अरे मतलब सर ठीक है सर 10 वाला। कौन सा मोड प्रेफर करोगे?
10 वाला सर। हाँ वो उसको 20 में ज़्यादा फायदा हो रहा है, मतलब ऐसे उससे कोई मतलब नहीं कि उसे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसमें कह रहा विच मोड यू, आपकी बात हो रही भाई, ठीक ना, तो सर तो मैं तो 20 वाले ही यूज करूंगी। मतलब अच्छा आप सर ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब आप क्या, अच्छा सर मुझे लगा क्वेश्चन से रिलेटेड है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं भाई अच्छा इसमें सर अपने इसमें कौन सा मोड नाम रेफर हो रहा है, देख लेते हैं, इनकी भी बात सुन लेते हैं भाई। तो भैया हाँ आई प्रेफर ऑर्गेनिक मोड, हाँ आई प्रेफर ऑर्गेनिक मोड ऑफ कल्टीवेशन, इट प्रमोट सेव एनवायरमेंट फैक्टर्स दैट इन मेंटेन्स फर्टिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल। समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर। हाँ तो आपके बारे में पूछा गया कि आप कौन सा रेफर करोगे और क्यों रेफर करोगे, ठीक ना, तो अगर आप ये बताओगे कि ऐसा तो बताना ही पड़ेगा क्यों। हाँ हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जेबें भरेंगे, ठीक है, ऐसे में लिखना पड़ेगा आपको ओके कि सर इनऑर्गेनिक ओके सर। क्यों, इनऑर्गेनिक क्यों करा आपने, वो भी लिखना पड़ेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, टू स्कूल ए और बी डिसाइड अबाउट अवार्ड प्राइजेस फॉर देयर स्टूडेंट, थ्री वैल्यूज ईमानदारी ऑनेस्टी पंचुअलिटी एंड ओबीडियंस, तीन बिंदुओं पर बच्चों को पुरस्कार दिए जाने हैं। स्कूल ए डिसाइडेड टू अवार्ड अब 11,000 रुपये, ठीक है, फॉर थ्री वैल्यूज 5, 4, 3 स्टूडेंट, मतलब बच्चों मतलब पहला जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 5x+4y+3z=11,000 रुपये। स्कूल बी ने 10,700 रुपये डिसाइड किया है, कितने बच्चे हैं इसके पास, चार बच्चे नॉमिनेट किए, 3 एंड 5, तो 4x+3y+5z=10,700। और स्कूल जो तीसरा है ना, फॉर थ्री वैल्यूज टू एंड फॉर द थ्री वैल्यूज टू 4, 3 एंड 5 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली, जो तीसरा वाला है बच्चा स्कूल जो है वो कितना दे रहा है भाई, 10,700 तो दूसरे वाले के लिए। इफ ऑल द थ्री प्राइजेस टुगेदर अमाउंट 2,700, मतलब x+y+z=2,700। चलो ये तीन इक्वेशन बन गए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर यस ठीक है, अवार्ड फॉर पीस फॉर द थ्री वैल्यूज। ठीक है, तो भाई अगर तीनों प्राइज जो हैं, ऑल द थ्री प्राइजेस टुगेदर अमाउंट ₹2,700, अगर तीनों प्राइज की जो कॉस्ट है वो 2,700 पड़ रही है, तो आपको बताना है कि इसमें अलग अलग चीज़ें बताएं, रिप्रेजेंट करो। चलो देखो पहला इक्वेशन, तो बच्चों पांच बच्चे एक्स प्राइज, चार बच्चे वाई प्राइज और तीन बच्चे जेड वाले प्राइज को लेकर के जाएंगे, तो कितना हो रहा है भैया, 11,000 रुपये, बोलो यस और नो। यस सर। दूसरा वाला इक्वेशन देख लो, 4, 3, 5, तो 4x+3y+5y इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो नो सर। चलो तीसरे वाले में x+y+z=2,700 रुपये, ठीक है ना, x+y+z=2,700 रुपये, ठीक है ना, ओके सर क्लियर, ठीक सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर। ठीक है भाई, मतलब पहले प्राइस की कॉस्ट ₹X है, दूसरे प्राइस की कॉस्ट ₹Y है, तीसरे प्राइस की कॉस्ट ₹Z है, तो जो टोटल खर्चा आ रहा है वो तीन प्राइस ए मतलब जो है ₹2,700 के आ रहे हैं। चलो अब निकालना है कि क्या कर रहे हैं, इट इज पॉसिबल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चलो डिटर्मिनेंट ए निकालो सबसे पहले, ओ डिटर्मिनेंट ए -3 नॉट इक्वल टू 0, हाँ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है बताओ। सर इनकंसिस्टेंट। ओके क्यों इनकंसिस्टेंट होगा भैया, नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, अच्छा हाँ हाँ सॉरी सर तभी सॉरी तो बिल्कुल सोल्यूशन हाँ निकलेगा, हाँ सर हाँ सर मतलब इसको हाँ सॉल्व सर करना पॉसिबल है, ठीक है ना। यस सर। हाँ चलो अब आपके ऊपर है, आप इन तीनों मॉरल वैल्यूज में से कौन सी चीज, तीन कौन सी मॉरल वैल्यू आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी आई है, ऑनेस्टी पंचुअलिटी ओबीडियंस। ऑनेस्टी सर। ऑनेस्टी, ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा पार्ट मानोगे, सो इट इज इट्स अपॉन यू, ऑनेस्टी मान लो पंचुअलिटी या ओबीडियंस कुछ भी मान लो, ये आपके ऊपर है टोटली, है ना, इसमें कोई गलत नहीं है, है ना। आई प्रेफर ऑनेस्टी टू रिवार्ड द मोस्ट, ऑनेस्टी फॉलो सेवरल मॉरल वैल्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अरे ये बंद कर दो गेट, फॉर वेल बींग ऑफ द ऑर्फिनेज थ्री ट्रस्ट ए बी सी डोनेटेड 10%, 15%, 20% ऑफ देयर टोटल अमाउंट, भैया 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का 10%, 15%, 12% यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, बताओ भैया कितना अमाउंट दिया गया। तो बच्चों 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का 10, 15, 20 मल्टीप्लाई कर दो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
यस सर। सर चलो अब हमारे बीच के दानवीर श्रुति, बताइए कि इस डोनेशन से क्या आपको वैल्यू मिलती है, बताइए मिस दानवीर। क्या सर? बाई सच डोनेशन विच वैल्यूज आर जनरेटेड, क्वेश्चन पढ़ो ना, नहीं पढ़ रही हो क्या? नहीं सर, नहीं पढ़ा सर, आप बता रहे हो, एक मिनट सर, ये लिखा म्यूजिक हुआ में है, मेरा। सर वो क्या बोलता है, चलो एरीना आप बता दो यार, श्रुति वैल्यू नहीं बता पा रही हो, हद करी हो यार। सर हेल्प सर करना सर, डोनेशन सर, और क्या, अब तो वर्ड ही नहीं आ रहा सर, अब क्या करूं। सर हे परोपकारी भद्र महिला अरे परोपकार यार सिंपैथी वर्ड ही नहीं आ सिंपैथी रहा। सिंपैथी हाँ सर, सिम कैसे हो गई। क्या यार एरिना, यस सर, कुछ तो बोलो यार, श्रुति बताओ कह रही है सर वर्ड नहीं आ रहा सर शेयरिंग इज केयरिंग सर, शेयरिंग हम लोग इज जितने भाग्यशाली होते उतने कुछ लोग नहीं होते, तो हमें शेयर करना चाहिए, तभी सर हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और दूसरों के जीवन में खुशहाली आएगी सर, ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सही, जय हो आपकी, बिल्कुल सही कहा आपने, शेयरिंग इज केयरिंग। और एग्जैक्टली यही यहाँ पे लिखना है भैया कि ऑर्फिनेज के लिए जो है आपको दान देने से आप की परोपकारिता प्रूफ हो रही है। देखिए वैल्यूज़ देख लीजिए, टोटल दान आया कितना है ना, 1,65,000 रुपये टोटल आ गया। सो द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई द ऑर्फिनेज इक्वल्स टू 1,65,000, डोनेशन टू ऑर्फिनेज हेल्प द डेवलपिंग सोसाइटी ऑफ चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ एनी सोसाइटी। वो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। पहला वर्ड सर बोला सर, डोनेशन सर, आगे नहीं बोला। हाँ जी कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है, कुछ भी लिख देना वो तो सही हो जाएगा, ठीक ना। हाँ सर, उसका चलिए, ए सही। ट्रस्ट फंड 30,000 रुपये को भैया दो तरीके से इन्वेस्ट किया गया है। तो ट्रस्ट फंड पहला पैसा है ₹1 मान लो, तो दूसरा बनेगा 30,000 - x, और पहला गया भैया कितने से, 5% ब्याज दे रहा, तो 5/100, दूसरा 7% दे रहा, और टोटल फर्स्ट केस में जो आपको ब्याज मिल रहा 1,800 रुपये। तो बच्चों एक्स 30,000 - x, दो बार एडजस्ट किया और 1,800 रुपये मिल गया पहले वाले में, तो बताइए सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ गई 15,000। तो कैसे पैसा लगाओगे, 15,000 15,000, क्योंकि एक्स में जाएगा 15,000 तो दूसरे में भी जाएगा 15,000, समझ में आया? यस सर, चलो कोई यस दिक्कत नहीं है इसमें। तो भैया रिफ्लेक्टेड, यस पहले में 7% बेनिफिट यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाउंट हाउ टू डिवाइड, 1,800 रुपये चला गया। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। अगला है व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू हेल्प ऑर्फन चिल्ड्रन, इसमें ऑर्फन चिल्ड्रन कहाँ से आ गया, पैसे इसने तो बैंक में लगाए हैं, बॉन्ड्स में। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दे दो। वैल्यूज रिफ्लेक्टेड आर हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन, प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट रेट इन फाइनेंशियल बेनिफिट्स इज मोर देन फर्स्ट बॉन्ड ट्रस्ट डिसाइड्स द इन्वेस्ट फंड इक्वली रिफ्लेक्ट्स दैट मोटिव ऑफ द ट्रस्ट इज नॉट ओनली अर्न इंटरेस्ट बट ऑल्सो हेल्प फॉर द नीडी ऑर्फेन चिल्ड्रन। ओके दिस चैरिटी शुड बी ए कंसर्न ऑफ एवरी वन। अच्छा भाई दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि दूसरा कह रहा है द चिल्ड्रन लिविंग इन ऑर्फेनेज ऑल्सो टैलेंटेड एंड पजेस पोटेंशियल, इफ दे आर गिवन प्रॉपर ब्रॉट अप एंड अपॉर्चुनिटी दे कैन बी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द कंट्री विल बिकम गुड सिटीजन, और वो लोग गुड अच्छे सिटीजन हो जाएंगे। ठीक है भाई, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड द गिवन फाइनेंशियल बेनिफिट टू द ट्रस्ट, कह रहा है डिटरमाइन करो कि कैसा उनको ट्रस्ट को करना चाहिए, तो आधा अपने पास रखना चाहिए आधा उनके हित में दे देना चाहिए, ये बात यहाँ पे सामने आ रही है। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, थ्री स्कूल ए बी सी ऑर्गेनाइज ए मेला कलेक्टिंग फंड्स बाई हेल्पिंग रिहैबिलिटेशन ऑफ फूड फ्लड विक्टिम्स, सोल्ड हैंडमेड फैंस, पंखे बेचे गए हाथ के बना करके, चटाइयाँ और प्लेट फ्रॉम द रिसाइकल्ड मटेरियल, 25 रुपये के पंखे, 100 रुपये की चटाई और 50 रुपये का क्या है प्लेट है। चलो अच्छी बात है,
द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड आर गिवन बिलो, स्कूल ए ने इतने बेचे, स्कूल बी ने इतने बेचे, स्कूल सी ने इतने बेचे, बताइए कि टोटल फंड कितना होगा। चलिए भाई, हैंड फैन कितने का है? एक 25 रुपये का। ये कितने का है? 100 का। और ये कितने का? 50 का है। सीधी सीधी बात है, मल्टीप्लाई करना है, तो पहला मैट्रिक्स बनाया आपने ये और कर दिया इसका मल्टीप्लाई। इसका करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई। ये यही क्वेश्चन है। चलिए यस, ये आ गए हम लोग। अब इसके बाद हैंडमेड फैंस फैंस हैं, तो 25, 100 और 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बच्चों ये फैन वाली कॉलम है तो 25 के साथ जाएगी, ये चटाई वाली कॉलम है तो इसके साथ जाएगी, और ये क्रॉकरी वाली कॉलम है तो इसके साथ जाएगी, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर लिया। तो स्कूल ए ने कितना पैसा कलेक्ट किया? 7000, 6125, 7875। तो टोटल फंड कितना हो गया तीनों स्कूलों का, सबको ऐड कर दो। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। स्टूडेंट अच्छे हैं सोशल सर्विस के लिए। अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ। देयर आर टू फैमिलीज ए एंड बी, देयर आर फाइव मैन, फोर मैन, सिक्स वुमेन, दो चिल्ड्रन। पहली फैमिली में 4, 6, 2 और दूसरी फैमिली में 2, 2, 4। ठीक है भाई, अच्छी बात है, 2x3 का ऑर्डर हो गया। अब इनका कहना है कि अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो है वो है 2400 फॉर मैन, 1900 फॉर वूमेन, 1800 फॉर चिल्ड्रन। ये कैलोरीज हैं, और प्रोटीन कितना लग रहा है? 45, 55, 33, मतलब 45, 55, 33। चलिए बताइए क्या बताना है। रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन यूजिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का यूज़ करके अबव इन्फॉर्मेशन को दिखाओ। ये लीजिए, दिखा लिया। कह रहा है बताइए मल्टीक्स का मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट टोटल रिक्वायरमेंट। तो बच्चों याद रखना, टोटल रिक्वायरमेंट निकालना है, तो रिक्वायरमेंट जो चीज़ निकालनी पड़ती है उसको पीछे रख दिया करो। तो आगे फैमिली मेंबर और नीचे पीछे मैट्रिक्स। बोलो यस और नो। यस सर। तो बच्चों फैमिली ए के लिए पूरी कैलोरीज आ जाएंगी मल्टीप्लाई होके, फिर फैमिली ए के लिए प्रोटीन आ जाएगी, दूसरे में फैमिली बी के लिए कैलोरीज, और फिर फैमिली बी के लिए प्रोटीन। कैलोरीज कैलोरीज, प्रोटीन प्रोटीन, फैमिली ए फैमिली बी। देख लो बन गया, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। डन डन सर। डन सर। चलो चलिए, तो हेंस द टोटल रिक्वायरमेंट फॉर द कैलोरीज फॉर फैमिली ए इक्वल्स टू इतने एंड इतने ग्राम, और फैमिली बी के लिए इतना हो गया। थ्रू दिस क्वेश्चन वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बैलेंस डाइट अमंग द पीपल एज इट मेक्स पीपल फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। चलो भाई अगला, टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर वुमेन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइड टू जनरेट अवेयरनेस थ्रू द हाउस कॉल्स लेटर्स अनाउंसमेंट। पैसा लग गया कितना? 50 लगा हाउस कॉल्स में, लेटर्स लिखने में 20 रुपया पर लेटर, और अनाउंसमेंट करने में 40 रुपये। अच्छी बात है। ये है मैट्राइसिस। कंपनी एक्स ने 400 लेटर लिखे, हाउस कॉल्स किए, 300 करे लेटर्स और 100 करे अनाउंसमेंट। ठीक है, अच्छी बात है। ऑर्गेनाइजेशन है ये एक्स वाई जेड, तीन विलेजेस, सॉरी थ्री विलेजेस में है, 3x3 मैट्रिक्स। भाई पैसा निकालना है तो इसका 50 रुपये है, इस वाले का कितना है अपने पास? 20 रुपये, इस वाले का 40। तो एक मैट्रिक्स बना लो, 50, 40, 20, और बाद में किसको रखोगे? 50, 40, 50, 20, 40, सॉरी 50, 20, 40, मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बच्चे बन गया बच्चों, नहीं बना? बन गया सर। यस सर। पिछले वाले बेच रहे थे, पिछले वाले बच्चे क्या बेच रहे थे भाई? रेज मनी के लिए वो लोग कुछ थालियाँ वालियाँ बेच रहे थे। ये बार के बच्चे एग्जीबिशन में लोकल सोसाइटी पेपर बैग, स्क्रैप बुक, पेस्टल सीट मेड बाय देम यूजिंग पेपर एट रेट इतना 20, 15, 5। चलो 20, 15, 5, और स्कूल ए स्कूल बी स्कूल सी, तो वही तीन स्कूल के पूरे आइटम, और इसके बाद कर देंगे इसका मल्टीप्लाई। स्कूल के आइटम का जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करने के लिए ये देखो 20 रुपये, 15 रुपये और 5 रुपये, तो मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो बन जाएगा? यस सर। तो टोटल अमाउंट रेज्ड स्कूल ए के लिए, बी के लिए, इसके लिए, चलो ठीक है।
अगले क्वेश्चन के लिए फिर से बच्चों 140 20 50 मैट्रिक्स बी पीछे वाले पैसे वाले को पीछे रख दो क्योंकि एक मिनट 140 हाँ ठीक है इस वाले को पीछे रख दो क्योंकि ये पैसा है तो पैसा निकालना है तो ये वाला पीछे आ जाएगा, ये पहला वाला ये दूसरा वाला। समझ में आया कि नहीं आया? यस हैज अ टोटल अमाउंट स्पेंड बाई द पार्टी सिटीज एक्स 9000 नो 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 क्या ना? अच्छा पैसे में है हाँ तो रुपीज में बदल लो 1000 का मल्टीप्लाई करके, डन 100 का मल्टी 100 का डिवाइड करके, सॉरी यस सर 1 रुपए में 100 पैसे, 1 पैसे में 1/100 रुपए। एवरी मन मस्ट कंसिडर द सोशल एक्टिविटीज ऑफ द पार्टी बिफोर कास्टिंग हिज हर वोट। हाँ सही बात है, मतदान देने के पहले ध्यान दें। चलो कोई दिक्कत बच्चों जी? नहीं सर। ओके ये भी डन। प्रोफिशिएंसी एक्सरसाइज, बच्चों ये आपका हो गया पेपर कंप्लीट, मेट्राइसिस पूरा मैंने एग्जाम आइडिया से पूरा करा दिया बच्चों जितना भी था। अब इसके बाद बस एक क्वेश्चन बचा है, ये मैं कभी करवा दूंगा आपको। ओके वो मार्कर आ जाए मेरा, उसको मैं फिर एग्जैक्टली अच्छे से करवा दूंगा। तो मैंने पूरा आपको एग्जाम आइडिया से जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर तक के आज पूछे गए थे 1991 से लेके पूरे तक के मैंने करवा दिए हैं। ठीक है डन, कोई दिक्कत? और ये मैं आपको दे देता हूँ एज ए होमवर्क, तो आप लोग इसको करके ले आइएगा। ठीक है बच्चों? ओके सर। ठीक सर। चलिए ठीक है, तो फिजिक्स का रिवीजन करिए बेहतरीन। अभी मैं आज क्लास नहीं लूँगा फिजिक्स की, आप लोग पढ़ लेना खुद से। और फिजिक्स में बहुत सारा काम है, आप लोग खुद से अब तैयारी ज़्यादा करिए, जहाँ पे डाउट हो मेरे को बताना अभी। ठीक ना, अभी मैं बीच बीच में फिर टेस्ट लूँगा। चलें फिर, बाय करें, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।